हाय एवरीवन, मैं हूं नवनीता और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सत्तू का चिल्ला। ये प्रोटीन और एनर्जी रिच रेसिपी है और ये वेट लॉस के लिए भी गुड ऑप्शन है। इसे आप ब्रेकफास्ट या फिर शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आइए चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। सत्तू का चिल्ला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सत्तू, 4 बड़े चम्मच बेसन, 2 बड़े चम्मच सूजी, 1/2 कप दही, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच घिसी हुई अदरक, नमक और ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे ली है, थोड़ी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले हम चिल्ला के लिए घोल बनाएंगे, तो इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे सत्तू, बेसन और सूजी भी डाल देंगे। बेसन डालने से इसमें बाइंडिंग आती है, चिल्ला टूटता नहीं है और सूजी डालने से ये थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्ची पाउडर, ब्राइट कलर के लिए इसमें डालेंगे हल्दी, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अजवाइन, अदरक, इसे हम ग्रेट करके डालेंगे, इससे बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है, 1 बड़ा चम्मच नमक। और अब इसमें डालेंगे सारे वेजीज, इसमें वेजीज आप अपनी चॉइस से कुछ और भी डाल सकते हैं। अब इसमें दही डालेंगे और पहले इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पतला घोल बनाएंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन सकते हैं। बैटर रेडी हो गया है, ये हमें इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी का रखना है और बैटर को बनाने में 1 कप पानी लग गया है। अब इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपको थिक लगे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करें। अब तवा को पहले हल्का गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और अब तवा के सेंटर में 2 बड़े चम्मच भरकर बैटर डालेंगे और इसे इस तरह से फैलाते हुए राउंड शेप देंगे। मैं यहाँ चिल्ला बड़े साइज का बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे साइज के 2 से 3 चिल्ला एक साथ में बना सकते हैं। और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ब्राउन स्पॉट आने तक सिकने देंगे। ये ऊपर की साइड से एकदम ड्राई हो गया है, यानी कि नीचे की साइड से सिक चुका है, तो पहले इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसके बाद हम चिल्ला को पलट देंगे। ये चिल्ला बहुत ही जल्दी टूट जाता है, तो इसे आराम से पलटें और अब इसे दूसरी साइड से भी ब्राउन स्पॉट आने तक सिकने देंगे। चिल्ला को सिकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये नीचे की साइड से भी अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारा 1 चिल्ला बनकर तैयार हो गया है। अभी एक और बनाएंगे, तो पहले तवा को ऑयल से ग्रीस करेंगे और अब इसके सेंटर में 2 बड़े चम्मच भरकर बैटर डालेंगे और इसे इस तरह से फैलाते हुए शेप देंगे। सत्तू का चिल्ला थोड़ा मोटा करके ही बनाएं, अगर आप ये ज़्यादा पतला बनाते हैं तो पलटते टाइम टूट जाएगा। अब चिल्ला को पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से भी ब्राउन स्पॉट आने तक सिकने देंगे। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के सारे चिल्ले बना लेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी सत्तू का चिल्ला बनकर तैयार है। इन्हें गार्निश करेंगे चिली फ्लेक्स और बारीक कटे हुए हरे धनिए से और आप इन्हें सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी या फिर केचप के साथ में। और अगर आप इन्हें ब्रेकफास्ट में बनाते हैं तो इसे दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस हेल्दी और सिंपल सी रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।